समझदार पशुपालक भाइयों, गाय भैंस ने बच्चा दिया, आप बहुत खुश हुए। खुश क्यों हुए? खुश तो होना ही चाहिए क्योंकि घर में दूध आ गया, और दूध आ गया तो पशुपालक की आमदनी बढ़ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा अच्छे तरीके से दिया लेकिन दूध नहीं आ रहा है, या बच्चा देने के बाद जेर फंस गया, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं वेलकम कंपनी का जेर गिरी। इसमें क्या है जेर गिरी में? इसका नाम जेर गिरी, जेर को गिराता है। साथ में और भी काम है इसके, क्योंकि जेर तो एक दिन में गिर जाएगा लेकिन फिर जाना कई दिन है। सबसे पहले आपको बताएं पाया क्या जाता है। पाया क्या जाता है या समय से जेर को गिराता है? सबसे पहले जान लीजिए, जेर को समय से गिराता है एवं गर्भाशय को, बच्चेदानी को संकुचित करके अपने स्थान पर लाता है। तो एक मालिक जेर गिरा दिया, लेकिन जो संकुचित करके अपने स्थान पर आता है, लाता है, वो एक दिन में नहीं होगा। अभी हम बताएंगे उसको कितना यूज करना है। गर्भाशय की, बच्चेदानी की, यूट्रस की पूरी तरीके से सफाई करता है, पिलाने से अंदर नहीं डालना है, सफाई करता है, और खून की कमी को पूरा करता है। खून की कमी कैसे पूरा करेगा? करता है, अभी हम बता रहे हैं। और खनिज तत्वों की मात्रा को पूरा करता है, और गर्भाशय को, बच्चेदानी को मजबूत करके दोबारा प्रेग्नेंट होने में सहायता करता है। अब आप कहें खून कमी कैसे पूरा करता है, सवाल उठता है, क्योंकि इसमें इतने तत्व मिलाए गए हैं और कोई भी ये दूध कैसे बढ़ाएगा? इसमें इतने तत्व मिलाए गए हैं, खनिज तत्व, मिनरल मिक्सचर मिश्रण, एक खून की मात्रा को बढ़ाते हैं, और ये यहाँ खून और बढ़ेगा। जब बच्ची दाने की सफाई नहीं होगी तो शरीर का टेम्परेचर हाई होगा, लो होगा, चारा पानी जानवर नहीं खाएगा, तभी खून कमी आएगी। तो जब बच्चे दाने सफाई कर देगा, चारा पानी अच्छे से खाएगा, तो खून बढ़ेगा, जानवर स्वस्थ रहेगा। और बच्चे दाने की सफाई होने से आपके पशु का दूध पूरा आ जाता है। अगर सफाई नहीं हुआ है तो दूध नहीं आएगा। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करना है, ये भी सवाल उठता है। गाय भैंस ने बच्चा दिया, जेर फंस गया, जेर नहीं निकल रहा है, तो आप जेर गिरी का एक फाइल लीजिए, कम से कम 1 लीटर वाला, 5 ml का नहीं, 5 ml छोटे पशु हो जाता है, जैसे बकरी हो में हो जाएगा, तो उसको आप 250 ग्राम पिला दीजिए। अगर नहीं गिराता है फिर 4 सेकंड बाद पिला दीजिए, इतने में गिरा देगा। अगर इतने में भी नहीं गिराता है तो डॉक्टर साहब को बुलवाइए और साफ करा दीजिए। लेकिन इससे पहले साफ मत कराइए, क्योंकि अगर इससे पहले साफ करेंगे तो जो जेर के अकड़े होते हैं बहुत टाइट होते हैं, और खींच कर निकलने पर बच्चे का नुकसान करते हैं। इसलिए पिलाना कोई ना कोई दवा, हमें नहीं कह रहे कि ही पिलाइए, बहुत सी दवा आती है टाइम टाइम, किसी भी पिला दीजिए, लेकिन हम इसको बता रहे हैं इस समय, इसलिए कह रहे हैं इसको पिला दीजिए। लेकिन हम कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं चाहे जो पिलाइए। इतने में सफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए जेब गिरा दिया हो, फिर भी हम पिलाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप गर्म चीज़ खिलाते नहीं हैं कि बच्चेदानी सफाई हो जाए, क्योंकि महंगा भी पड़ता है, और जो मार्केट से मेडिकल पर लेंगे इसमें सभी तत्व का मिश्रण रहेगा और आसानी से मिल भी जाएगा और सस्ता भी पड़ता है। जो आप घरेलू बनाते हैं महंगा पड़ता है भाई इस चीज़ के लिए। तो इसको आपको कितना पिलाना है, पहले दूसरे दिन आप 150-200 ml पिलाइए, 150 ml 200 ml पिला दीजिए, उसके बाद 100 ml डेली पिला दीजिए, अर्थात कुल 6 से 7 दिन की यह दवा है। 5-6-7 दिन में जो कम ज़्यादा हो जाता है दवा है, लेकिन पिलाने के बाद भी अगर दूध तुरंत नहीं आएगा तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने गलत बोला था, घबराइएगा मत। इसका असर 15 दिन तक रहता है, 15 दिन तक दूध बढ़ाने में काम करता है, और जब एक बार बच्चेदानी सफाई हो जाएगी तो अगले ब्याह में रुकेगी भी,
दूध भी बढ़ेगा, जानवर चारा पानी अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि अगर बच्चा सफाई नहीं होगी तो पेट दर्द करेगा, चारा पानी कम खाएगा, इसलिए पिलाना जरूरी है। आप इसको किसी भी तरीके पिला सकते हैं, गुड़ में दे दीजिए, दाल में दे दीजिए, बस अंदर जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान।